यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। ये है हमारी खास पेशकश देश की आवाज। और आज का मुद्दा देश की आवाज में बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, जिसमें कई बिलों को पास कराने पर लोगों की नजरें हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को संसद के इसी सत्र में पास करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। 16 जुलाई को उन्होंने लेटर लिखकर कहा कि बिल को पास कराने के लिए वो सरकार के साथ हैं। दूसरी तरफ सरकार में कानून मंत्री जो हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने राहुल गांधी को उनके पत्र का जवाब पत्र में ही लिख कर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी पहले 3 तलाक बिल का समर्थन करें। प्रसाद ने कहा कि सिर्फ महिला आरक्षण बिल पर नहीं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को 3 तलाक, हलाला और ओबीसी कमीशन बिल पर भी साथ आना चाहिए और नई मिसाल पेश करनी चाहिए। दरअसल पीएम मोदी और कानून मंत्री ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 तलाक, हलाला, निकाह जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से बटी हुई है। इसका फायदा उठाते हुए मोदी सरकार ने एक बार फिर से गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। रविशंकर प्रसाद के पत्र का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि 2014 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिला आरक्षण बिल रखा था, अब सरकार महिला आरक्षण बिल पर अपना रुख साफ करे और संसद के इसी सत्र में पास करे। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए लिखा कि हम महिला आरक्षण बिल पर आपकी पहल की तारीफ करते हैं, लेकिन सरकार ये जरूर जानना चाहती है कि आप तो बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन आपके सहयोगी सदन की कार्यवाही को बाधित तो नहीं करेंगे। रविशंकर प्रसाद का प्रश्न जायज है, क्योंकि 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल की कॉपी को फाड़ने वाले और हंगामा करने वाले सांसद और बिल का विरोध करने वाले दल आज यूपीए में कांग्रेस के सहयोगी दल हैं। 2010 में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए बिल का विरोध करने वाले सांसदों को सदन से निकालने के लिए पहली बार मार्शल का प्रयोग किया गया था। तब बीजेपी ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर यूपीए सरकार का समर्थन कर बिल को सदन में पास कराया था। वहीं अब महिलाओं के मुद्दे पर सियासत का रुख भांपते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से महिला आरक्षण का मुद्दा गरमाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को 3 तलाक, हलाला, निकाह जैसे मुद्दों से जोड़कर राहुल गांधी की कोशिश पर पलीता लगा दिया है। और इसी के साथ आज के सवालों का रुख भी हम करेंगे। मॉनसून सत्र पर महिलाओं में सियासत, महिला आरक्षण बिल पास कराने की मांग। राहुल गांधी ने बिल पास कराने की मांग की है एक पत्र के जरिए। सरकार ने 3 तलाक के बिल पर समर्थन मांगा है। 3 तलाक बैन कराने के बिल पर मांगा समर्थन। और आज के सवाल, क्या दोनों बिल होने चाहिए पास? क्या बीजेपी कांग्रेस को आना चाहिए साथ साथ? क्या महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है? क्या ये बिल कभी संसद में पास भी हो पाएंगे? तो ये आज के सवाल हैं देश की आवाज में, जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। जी हां, महिलाओं पर सियासत हो रही है या फिर महिला आरक्षण बिल पास कराने की मांग की जा रही है, सवाल यहां पर बनते हैं। और साथ ही राहुल गांधी ने बिल पास कराने की मांग की है। तो हमारे साथ पहले दर्शक शमशेर सिंह भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है शमशेर सिंह आपका खबरें अभी तक पर। आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार, आप क्या राय देना चाहेंगे? मैं ये राय देना चाहता हूँ मैडम, ये मोदी जी बड़ी ईमानदारी से हर एक चीज को हल करना चाहते हैं। हलाला हो, 3 तलाक हो, महिलाओं का बिल हो,
ये कांग्रेस पार्टी हर चीज पर राजनीति करती है, वोट बैंक देखती है। ये राहुल गांधी है ना, ये नामदार बोलता है ना मोदी जी, बड़ी जनता खुश होती है। नामदार नेता, ये नेता ग्राउंड का नहीं है, ये दिग्भ्रमित है जी। ये पता नहीं कहाँ हिंदू बन जाता है, कहाँ मुस्लिम बन जाता है, कभी हाँ कर देता है, कभी ना कर देता है। ये देश को नेतृत्व करने में क्षमता नहीं इस आदमी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक के पास चलते हैं। रणबीर मान पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। आप क्या राय देना चाहेंगे? मैडम नमस्कार जी। मैडम बिल तो दोनों पास होने चाहिए जी, बिल तो दोनों पास होने चाहिए, किंतु ये करेंगे नहीं, ये जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे पिछला सेशन खत्म कर दिया इन्होंने, ऐसा ही सेशन ये इस बार खत्म कर देंगे जी। इन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं है जी। और अगले दर्शक के पास चलते हैं, राजकुमार जो कि रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या पक्ष रखना चाहेंगे इस पर? नमस्कार जी। जी 5 वर्ष में एक बार ही दर्शन उनके पाते हैं, ना जाने ये लोग कहाँ पर छूमंतर हो जाते हैं। महिलाओं के नाम पर राजनीति करने वाले सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। नियत हो अगर साफ इनकी, बिल पास क्यों नहीं करवाते हैं। एक थैली के चट्टे बट्टे, कई आते हैं कई जाते हैं। एमसी तक जो बनी महिलाएं, ये पूछल बन के जाते हैं। काम नहीं करने देते उनको, ये कैसे मर्द कहलाते हैं। थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया शायरी के जरिए हम तक अपनी राय पहुंचाने के लिए। आप भी अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ अगले दर्शक के पास चलते हैं जो कि दिनेश है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। आप क्या राय देना चाहते हैं? थैंक यू मैडम जी। राहुल गांधी जी ने जी जो सत्ता सरकार को प्रस्ताव किया है, स्वागत योग्य है। और उस संबंध में जो जवाबी पत्र कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने दिया है, वो भी स्वागत योग्य है। सारा देश दोनों की बात का स्वागत करता है, लेकिन ताज्जुब हमें इस बात पर है कि फिर रोड़ा कौन लटकाता है इसमें। अटल जी की सरकार ने 98-99 में महिला आरक्षण बिल को पेश किया, विपक्ष ने साथ नहीं दिया। और एनडीए की सरकार बहुमत में होते हुए 2002 में और 2003 में दो बार आरक्षण बिल पेश किया, बहुमत के बावजूद विधेयक पास नहीं हुआ। कारण एक ही है कि महिला आरक्षण बिल और इस तलाक और मुद्दे पर ये सारी सियासती पार्टी राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अपने परिवार की महिलाएं कम है इनके पास, इसलिए नहीं चाहते कि कहीं अन्य लोगों की महिलाओं को आरक्षण न मिल जाए सदनों में विधानसभाओं में। इन लोगों के ये नंबर एक के बेईमान है, इनको अगर महिलाओं को आबादी आदि आबादी को आरक्षण देने में शर्म लगती है। और ताज्जुब की बात है, जिस राज्यसभा सदन को हम विद्वानों का सदन कहते हैं, मुझे उनकी विद्वता पर शक है कि वो क्या रोड़ा अटकाते हैं। वहां तो उनको आइडियल के रूप में आना चाहिए और सरकार को ऑर्डिनेंस लाकर एक मर्द प्रस्तुत करना चाहिए। महिला और आह्वान करता हूं आदि आबादी को, सबसे पहले महान विचारक मैं सुमित्रा महाजन जी, स्पीकर महोदया को, इस समय कोई महिला राष्ट्रपति है वो तो नहीं है, हमेशा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद एक महिला के लिए आरक्षित किया जाए। नारी शक्ति नेतृत्व आगे आए, करोड़ों करोड़ों देशवासी नागरिक उनके साथ है, सड़कों पे आए, आदि आबादी को ये आरक्षण दे, क्योंकि इनके अंदर पितृशक्ति मातृशक्ति सिर्फ कहने में पूजा करते हैं, क्या सके ये जो सिर्फ सियासत कर रहे हैं महिला को आरक्षण, ये स्पष्ट रूप से शर्तों का क्या मतलब है। आप बिल को लाइए, और इस समय भी जब मुलायम सिंह जी ने भी पहले आरक्षण को पास। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश अपनी राय को इस बुलंद आवाज में हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ अगले दर्शक के पास चलते हैं जो कि हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहतार स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप क्या राय रखना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी। जी जी मैडम जी, ये ऐसे है जी, ये बिल पास कराए तो सरकार के हाथ में है जी सब चीज जी। हाँ ये सब काम अपने आप करा सकती है, ये तो बयानबाजी कर रहे हैं जी, कोई बिल पास कराएंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देश की आवाज बन सकते हैं।
और जो आज का मुद्दा है उस पर अपनी राय रख सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने का ये मुद्दा है आज जो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने बिल पास कराने की पत्र के जरिए मांग की है और सरकार ने 3 तलाक के बिल पर समर्थन मांगा है। 3 तलाक बैन कराने के लिए बिल पर समर्थन मांगा है और हालांकि जो महिला आरक्षण बिल है काफी समय से अटका हुआ है और 10 सालों में बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा जब ये मुद्दा ना उठाया गया हो। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी कांग्रेस को साथ आना चाहिए? और इसी के साथ अगले दर्शक के पास हम चलते हैं जो कि नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ सरकाघाट मंडी से जुड़ चुके हैं। स्वागत है नागेंद्र सिंह नेगी आपका खबरें अभी तक पर। आप क्या राय रखना चाहेंगे इस पर? मैडम नमस्कार जी। जी मैडम, ये 364 दिन तक कुछ नहीं करते, सिर्फ 8 मार्च को महिला दिवस मनाने के अलावा बाकी राजनीतिक इच्छा शक्ति इनमें है नहीं। और ये 364 दिन जो है वो कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, बलात्कार, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये राजसत्ता के साथ साथ धर्म सत्ता को भी, जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको भी आगे आना चाहिए। और ये जहां तक 33% आरक्षण की बात है, कई बार 1998 से लेकर के 25 जून 1998 से लेकर के आज तक ये लोग बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे, कभी जनता दल, कभी समता पार्टी, कभी समाजवादी मुलायम, ये सब कभी अल्पसंख्यक और मुस्लिम महिला आरक्षण के मांग पर जो है वो अड़ंगा खड़ा कर देते हैं। मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा वक्त है, तमाम महिलाओं को जो है ओपनली आना चाहिए, जितने महिला संगठन है, महिला मंडल है, और ये बहुत बढ़िया वक्त है आपके पास। मैं एक संदेश देना चाहूंगा 2 लाइनों में, ज्यों तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, जब तू बरसे तब हरियाली और बरसात, तू मार्चिस की एक तिल्ली है, लगा सकती है पानी में आग, ममता तेरे मन मन मंदिर में बसता है भगवान, भक्त है खुद को पहचान सके तो पहचान। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र सिंह राणा अपनी आवाज को इस तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें, और अगले दर्शक के पास हम चलते हैं जो कि राशिद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? मैं ये राय देना चाहता हूँ, ये 3 तलाक और ये हलाला का जो बीजेपी इतना शोर मचा रही है, अगर ऐसी है जो तलाक पीड़ित हैं उनके बच्चों को नौकरी दिला दें, उनके बच्चे इतने पढ़े हैं, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो जो 3 तलाक और उसको जो उठा रहे हैं, उनके बच्चों को नौकरी दिला दें, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अगर मुसलमानों के लिए इन्हें करना ही है तो उनके बच्चों को कहीं मतलब नौकरी दिलवा दें, सरकारी में उसमें दिलवा दें, ये 3 तलाक और उससे क्या होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आपकी इन पर क्या राय है और कौन कहता है कि देश महिलाओं के लिए एकजुट नहीं है। देश में जितने भी दर्शक हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि महिलाओं के प्रति हमारे देश के लोगों की क्या सोच है, और अगर कोई एकजुट नहीं है तो वो है हमारे देश की पार्टियां। और आज ये मौका है महिला आरक्षण बिल का पास कराने का, ये मौका दोनों पार्टियों के पास है जिससे साफ हो जाएगा कि महिलाओं के प्रति दोनों पार्टियों की क्या सोच है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, देश की आवाज का हिस्सा बनिए और अपनी राय को जनता तक पहुंचाइए, हम तक पहुंचाइए। आज के सवाल है, मानसून सत्र में महिलाओं पर क्या सचमुच सियासत हो रही है? महिला आरक्षण बिल के नाम पर महिला आरक्षण बिल पास कराने की मांग की जा रही है। एक तरफ तो राहुल गांधी चिट्ठी लिखकर इसका आह्वान करते हैं, और इसी के साथ अगले दर्शक लव मकौल हमारे साथ पंचकुला से जुड़ चुके हैं। लव मकौल, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप इस पर क्या राय रखना चाहेंगे? दीपशिका जी, मेरे हिसाब से ये बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाना चाहिए, पर ये जो सरकार ये बिल के नाम पे राजनीति कर रही है वो गलत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लव मकौल अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। तो आज के सवाल हम आपको बता रहे हैं, क्या बीजेपी कांग्रेस को साथ आना चाहिए महिला आरक्षण बिल पर? क्या महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति हो रही है? क्या ये बिल कभी संसद में पास हो पाएंगे? काफी समय से ये बिल अटके हुए हैं और 10 सालों में महज कोई भी सत्र ऐसा नहीं गया होगा जिसमें महिला आरक्षण बिल की गूंज नहीं उठी होगी। महिला आरक्षण बिल पास कराने की मांग की जा रही है, चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक चीज और कह दी है, जो कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि बाकी जो बिल है, चाहे वो निकाह हलाला है या फिर तलाक है, उस पर भी समर्थन दे।
और अगले दर्शक गीता देवी कुल्लू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, आपकी क्या राय है? तो कहीं हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है, लेकिन हम बात करेंगे जो आज का मुद्दा है, महिला आरक्षण बिल का जो मुद्दा है। और इसी के साथ अगले दर्शक के पास चलते हैं, दिनेश जो कि नरवाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, आपकी क्या राय है इस पर? नमस्ते जी। जी ऐसा है जी, वो आरक्षण बिल पास कर देना चाहिए। कांग्रेस तो कहते हैं बीजेपी नहीं उड़ जाती, बीजेपी कहते हैं ये इन्हें देख राजनीति मुद्दा बना गया, गर्क लिया इलेक्शन में। बीजेपी वाले कहेंगे हम चाहवा थे, कांग्रेस नहीं चाहे थी, कांग्रेस कहेंगे हम नहीं चाहते। दोनों बैठ कर फैसला कर दो, पार्लियामेंट के अंदर बिल पास कर दो। कोई की जब इन्होंने इतराज नहीं तो जनता ने भी इतराज नहीं जी। महिलाओं की तो इज्जत होनी चाहिए जी, इनके लिए तो सख्त कानून बनने भी चाहिए ताकि ये घूम फिर सके। इनको लेबर आदमी ब्याह महीना पीछे कह दिया जाए, बैठ जाए, कोई बात थोड़ी है ये। उसका पूर्ण रूप से कोई इनको ही ख्याल रखना चाहिए और दोनों पार्टियों ने सोचना चाहिए इसके बारे में। ये दोनों राजनीति कर रही है इसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं जी। अब अगले दर्शक के पास चलते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुभाष सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर, आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? ये दोनों पार्टी राजनीति कर रही है जी, जी। दो साल से ज्यादा होगा जी ट्रेन को जी। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें मानसून सत्र में महिलाओं पर सियासत हो रही है, महिला आरक्षण बिल पास कराने की मांग की जा रही है। राहुल गांधी के द्वारा चिट्ठी लिखकर ये मांग की गई है। राहुल गांधी ने बिल पास कराने की ये मांग की है, जिस पर जो कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी और कहा है कि तीन तलाक के बिल पर समर्थन दीजिए, निकाह हलाला के बिल पर भी समर्थन दीजिए और तीन तलाक बैन करने के बिल पर समर्थन मांगा गया है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो केंद्र सरकार है वो अपनी गेंद दूसरे पाले में झाड़ रही है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या दोनों बिल पास होने चाहिए और साथ ही क्या बीजेपी कांग्रेस को साथ आना चाहिए? और अगले दर्शक के पास हम चलते हैं, श्याम जो कि फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, आप इस मुद्दे पर क्या राय देना चाहेंगे? मैम ना तो कांग्रेस ने आज तक ये बिल पास किया कोई भी जी, और ना ही बीजेपी करना चाहती है, ठीक है जी। आपको याद हो तो ये दोनों ये बिल अगर बीजेपी दोनों सेशन एक साथ बुलाए और बिल पास करे जी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ अगले दर्शक के पास चलते हैं, शमी जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शमी आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर, आप इस पर क्या राय रखना चाहेंगे? शमी मैडम इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी जी, और ये महिलाओं का बिल पास होना चाहिए जी। और जो ये तीन तलाक की बात कर रहे हैं ये अलग मुद्दा है जी, महिलाएं तो महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कोई भी हो, महिलाओं का बिल बहुत टाइम से चल रहा है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये बिल पास होना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, देश की आवाज बन सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि इस बिल के लिए दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए और क्या महिला आरक्षण बिल पर राजनीति हो रही है? सरकार ने तीन तलाक के बिल पर भी अब समर्थन मांग लिया है और साथ ही तीन तलाक बैन कराने के बिल पर समर्थन मांगा है। तो आप बताइए कि इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? अगले दर्शक के पास हम चलते हैं, वीना जो कि मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वीना आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर, महिला हैं आप भी एक, आप बताइए आपकी क्या राय बनती है? तीन तलाक जो पुरुष महिलाओं को बोलते हैं जी, और तुरंत तलाक हो जाता है उनका। मैंने तो महिलाओं को कभी नहीं सुना है ऐसा, महिलाओं ने बोला हो पुरुष से और तीन तलाक हो गया हो जी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आक्रोश भी जनता के बीच दिखता है, जनता जानती है कि कौन से बिल हैं जो उनके हितदायी हैं और कौन से बिल हैं जो उनके हितदायी नहीं है। और अगले दर्शक के पास हम चलते हैं, बीपी सिंह जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीपी सिंह आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर, आप क्या राय देना चाहेंगे? हाँ जी मेरा तो सुझाव यही है कि वही तीन तलाक में जो आधी महिलाएं मोमडन लेडीज को इतना वो कर रखा, उनका कोई वजूद ही नहीं रहा और इस तरह से वो हो रही है, इस तरह से बेचारी वो कब तक घुटती रहेंगी,
तीन तलाक और ये महिला जो बिल है ये दोनों इसमें पास हो जाने चाहिए हर हालत में, वरना इन पार्टियों का रहने का कांग्रेस को तो है ही नहीं अधिकार जो इतने दिनों से ये यहाँ बनी हुई है, कुछ नहीं किया इन्होंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। और फतेह शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि देश के अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी, ना किसी कास्ट का, रिलीजन का, या क्रीड का, या मतलब लेडीज का, औरतों का और आदमियों का। इट शुड बी टोटली ओपन ऑन मेरिट, लेट देयर बी स्टेट कॉम्पैक्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन। व्हाई कांट वुमेन रूल बेटर देन मेन? जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। आप भी अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। और बड़ा मुद्दा है आज का, क्या ये बिल कभी संसद में पास हो पाएंगे या नहीं। और अगले दर्शक किशन कुमार भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन कुमार स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, आप क्या राय देना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी जी, क्या राय देना चाहेंगे? मैं क्या कहता हूँ जी, ये तीन तलाक का जो मुद्दा है, कांग्रेस इसका समर्थन करे, बीजेपी वाले तो अपने आप नंगे हो जाएंगे, इसका समर्थन क्यों नहीं करते? तो बड़ा खतरनाक है महिलाओं के लिए जी, तीन तलाक जो अलाला तीन तलाक, ये तो खतरनाक है महिलाओं के लिए है। जो अगर महिलाओं की अगर कांग्रेस मदद करना चाहती है, जो इसका मदद देश की मदद करना चाहती है, तो इसको पास करवाए अपने आप, कांग्रेस बीजेपी वाले नंगे हो जाएंगे बाद में आ जाएगा ये तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें क्या महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, यह आज के सवाल जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। क्या ये जो बिल है महिला आरक्षण बिल, क्या संसद में कभी पास हो पाएगा? मानसून सत्र में महिलाओं पर सियासत जमकर खेली जा रही है। जी हां, महिला आरक्षण बिल पास कराने की मांग की जा रही है, वो भी चिट्ठी लिखकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा। राहुल गांधी ने बिल पास कराने की इस दौरान मांग की है, 16 जुलाई को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अगले दर्शक के पास हम चलते हैं, उमेश शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे पास जुड़ चुके हैं। रमेश शर्मा स्वागत है आपका खबर अभी तक पर, आप क्या राय देना चाहेंगे? हाँ मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो महिला आरक्षण बिल है जी, ये तो दलित शोषित समाज के लिए बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि वो बेचारी औरतें एक तो कम पढ़ी लिखी होती है, अभी जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं वो अभी पॉलिटिक्स में पूरे छाए हुए हैं, और उन्हें एक ताकत और मिल जाएगी महिलाओं की। तो ये तो दलित शोषित और आदिवासी महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और दूसरी चीज, राहुल गांधी को नेता कहने में ही बड़ा शर्म लगती है, उनको देश नेता मानता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। और असम से अगले दर्शक अल्फाज हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्फाज हुसैन बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर। नमस्कार मैडम, क्या राय देना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? मेरा राय ये है, अगर राजनीतिक कोई दल इसमें कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो उसमें सब सब दल जो है एक साथ लेना चाहिए, और महिला बिल को जो है इस बार जो अधिवेशन चल रहा है उसमें जो है पास होना चाहिए। तलाक वाली जो मामला है वो जो है थोड़ा सभी राजनीतिक दल एक साथ धार्मिक मौलानाओं के साथ मिलकर करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। अल्फाज हुसैन, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि आज जो मुद्दा हमने उठाया है उस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जिस पर काफी समय से पेच अटका हुआ है वही मुद्दा आज हम उठा रहे हैं। लगभग एक दशक से महिला आरक्षण बिल पर लगातार राजनीति की जा रही है, कोई भी सत्र ऐसा नहीं गया होगा जिसमें इसकी आवाज नहीं उठाई होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों ही पार्टियां हमेशा ये वादा करती है चुनावों के दौरान कि इस बिल को पास करा दिया जाएगा, लेकिन ये बिल कभी पास होता ही नहीं है। फिलहाल नजरें सबकी इस मानसून सत्र पर रहेगी। देश की आवाज में आज हमने यही मुद्दा उठाया था। फिलहाल के लिए देश की आवाज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद। We'll be right back.